किसी अस्पताल में चले जाइए, जिंदगी की सच्चाई से सामना हो जाता है। बीमार लोग कॉरिडोर में लेटे होते हैं, ऐसी बुरी परिस्थिति है। इसको बदलने की एक पहल क्या आपको लगता है सार्थक साबित हो सकती है अगर नियत सही? अतुल अंजन जी। अंजना जी, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, अच्छा काम है, प्रयास अच्छा है, लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे देश के अंदर योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, वो जमीन पर आती कहाँ है? और उसका खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। मैं एक बात कहूँ कि जैसे कहाँ आप कहा कि हमें आसमान के ऊपर जाना है, ये बात तो जवाहरलाल नेहरू ने जब 15 अगस्त 1947 को संसद भवन में जब भारत आज़ाद हुआ था तब बोलते हुए कहते माइल्स टू गो, बहुत आगे जाना है। और मेरे ख्याल से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वो तकरीर दुनिया के नव आज़ाद देशों के स्थापनाओं में उस वक्त दिए गए हेड ऑफ़ द स्टेट्स की तकरीर में सबसे सर्वश्रेष्ठ तकरीर है, जिसके अंदर सारे इतिहास की चर्चा की जाती है, लाल किले के प्राचीर से तो जवाहरलाल नेहरू जी भी बोले, इंदिरा गांधी जी भी बोली, लाल बहादुर शास्त्री जी भी बोले, मोरारजी देसाई भी बोले, चंद्रशेखर जी भी बोले, चरण सिंह जी भी बोले और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोले, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले 10 साल लगातार बोलते रहे, लेकिन वो कम बोलते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से इस बार चुनाव को ध्यान में रख करके वो इसे चुनावी सभा बनाने की कोशिश की और 82 मिनट का भाषण दे दिया जिसमें कई बार कई चीज़ों का रिपीटिशन हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तब भी हर प्रधानमंत्री को ये अवसर है, ये उनका अपना और देश का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। मेरे ख्याल से आज के दिन हमें उन तमाम क्रांतिकारियों को और उन तमाम राष्ट्रभक्तों को और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व कुर्बान किया उन्हें और बेहतर तरीके से याद करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हमारी सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे और पुलिस के जवान और दूसरी खुफिया विभाग के लोग जो देश की आज़ादी की हिफाजत करने में लगे हैं उनको तो श्रेय जाता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा श्रेय हमारी आज तक की स्थिति में पहुंचने के लिए इस देश के उन राष्ट्रीय आज़ादी के लड़ाकों को जिन्होंने गाया था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, उस मंतव्य को ध्यान में रख करके क्या आज हम चलेंगे या चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप बेताब हैं या व्याकुल भारत हैं या आपके मन में ललक है या आग है, ये फैसला आने वाले दिन करेंगे। सिर्फ चुनाव ही चुनाव नहीं होते, हर चीज जो रास्ते दिखाए गए हैं, जो बताए गए हैं, उन्हें पाने के लिए हमारा संकल्प और दृढ़ होना चाहिए। और लोकतांत्रिक पद्धति अगर मजबूत नहीं होगी और संसदीय व्यवस्था मजबूत नहीं होगी और संविधान के चरित्रों को, संविधान की आख्याओं और व्याख्याओं पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसे कमजोर किया जाएगा और भारत के हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो लाल किले पर तमाम प्रधानमंत्रियों के दिए हुए भाषण एकमात्र निरर्थक थोथे बिना आवाज की आवाज रह जाएगी, बोल रह जाएंगे। दो लाइन का जवाब संबित जी, जिसके बाद मैं सुनाऊंगी प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक पर क्या कहा योगेंद्र यादव जी के पास। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर विषय को स्पर्श किया। आप लोग इससे पहले कह रहे थे क्या प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड देंगे, उन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री जी ने हर डिपार्टमेंट को स्पर्श करते हुए कहा, केवल अपनी बात नहीं कही, किस प्रकार विश्व आज हिंदुस्तान को देख रहा है, छठे रैंक का इकोनॉमिक पावर आज विश्व में बना है, ये हमने भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, काम के कारण विश्व ने इसको ऐलान किया है। किस प्रकार से IMF के रिपोर्ट जो 4 दिन पहले अखबारों की सुर्खियां थी कि आने वाले 30 वर्षों तक हिंदुस्तान भारत के विश्व के अर्थनीति को आगे लेता हुआ चलेगा, IMF ने कहा कि ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और खास करके GST जैसे रिफॉर्म के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मिडिल मैन को समाप्त किया है, जो बिचौलिए होते थे, हिंदुस्तान की जो राजनीति थी, हिंदुस्तान का जो पावर कॉरिडोर था, आप लोग मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप जानते हैं पहले नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में जाने से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था जो कहता था मैं सब कुछ करा दूंगा, मेरे पे आप विश्वास रखिए, वो मिडिल मैन समाप्त हुआ। और कैसे 90,000 करोड़ रुपए गरीबों का प्रधानमंत्री ने बचाया, साधारण चीजें, राशन कार्ड, किस प्रकार 6 करोड़ लोगों का राशन कार्ड इत्यादि के माध्यम से जो लूट मची हुई थी वो गरीब के जेब तक, गरीब का पैसा कैसे, वो राजीव गांधी कब कह रहे थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और मात्र 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी जी ने जो संशय किया था उसका उत्तर दिया कि मैं 1 रुपये भेजता हूं और गरीब के जेब में 1 रुपये पहुंच जाता है, ये कोई छोटी बात। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा आगे लिए चलेंगे। योगेंद्र जी आपकी भी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र